हाँ तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी जो टाइम हुआ है 12:40 हो चुका है, 12:40 हो गए हैं और मिस्टर पुनीत जो है हमारे सर हमारे साथ हैं और जिन्होंने कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी कंबल बांटेंगे जो भी होमलेस पीपल्स हैं जिन्हें ज़रूरत है इतनी ठंड में, क्योंकि लोगों को सर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इतनी रात सर हम मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने घर पे हम लोग बैठे हैं, हमको इतनी ठंड महसूस हो रही है, इतनी सर्दी है, सही बात तो है। इनको क्या इनका क्या हाल हो रहा होगा, वो चीज़ है। तो हमें ऐसे लोगों की मतलब आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर अपनी गाड़ी से या किसी भी चीज़ से बाहर जाता है तो या पुराने हमारे कपड़े हैं तो ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये सब और चीज़ें, बहुत ज़रूरी है यार, जिसके काम जो चीज़ें आए उसको देनी चाहिए बिल्कुल देनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा गाइज आप भी आगे बढ़ के आइए और आपसे जितना हो सके मतलब 100, 200, 400 या जो भी मतलब कंबल या पुराने कपड़े आपके हैं तो आप आगे बढ़ के आइए प्लीज़, और ऐसे लोगों को मतलब इतने छोटे मदद कीजिए। इतने छोटे बच्चे यार देख के यार रोना आ रहा है, रोडों पे सोते हैं, इतनी सर्दी में कैसे सो रहे हैं। हम लोग अपने घर पे ब्लोअर लगा, हीटर लगा, सब कुछ लगा, फिर भी हमको ठंड महसूस हो रही है क्या, लेकिन ये बच्चे यहाँ रोड पे सो रहे हैं, इस हॉरिबल। तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अरे लपटो ना बह जाओ नीचे, प्लीज रोड से अलग हट जाइए, आप थोड़ा रोड से अलग हट जाइए, रोड को चले दीजिए। बाजी कल कमल ले क्या ना इसका तो कमल मिल गया। गाइस देख पा रहे हैं जैसा कि आप हमारा अभी स्विगी से आधा ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि एक्चुअल में क्या था जिस टाइम पे हम ऑर्डर कर रहे थे तो वो आधा दूसरे रेस्टोरेंट में हो गया और आधा दूसरे रेस्टोरेंट में, तो अभी जो हमने दाल का ऑर्डर किया था वो आ चुका है अभी, और जो राइस और ब्रेड वगैरह जो ऑर्डर किए हैं तो उसमें आई थिंक अभी 5 to 10 लगेंगे, और जैसे ही वो बाकी ऑर्डर आ जाएगा फिर हम वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब होमलेस पीपल्स को, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि रात को भूखे सो जाते हैं तो उन लोगों को हम वो खाना खिलाएंगे आज। तो गाइस अरे सुधा अब प्लेट पर रख दो, गाड़ी को थारो वाले को रख दो, मेरा वाला मशीन है आईडी का गेट है, अगर चलो जरा बाप ले चल दे
मेरी आईडी बंद हो गई ना। कम्बल वगैरह और खाना आप तक पहुंचा आई मुझे लगता है कि मतलब पेट भर गया होगा आपका। आराम से सो जाना, आराम से सो जाएंगे क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया है, 1:30 बजने वाला है। ठीक है बाबू, 1:15 आ गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है मैं लिख के दे दूंगा, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। और खाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे को खाना वगैरह पहुँचाता रहूँगा। ठीक है बाबू।